उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जिला प्रशासन ने जो दावे किए थे वो राजधानी के ज्यादातर इलाकों में पूरी तरह से फेल साबित होता नजर आया। बता दें कि भवानीगंज वार्ड, शीतला देवी वार्ड, राजेंद्र नगर वार्ड, ऐशबाग वार्ड, इंदिरा नगर, दौलतगंज समेत राजधानी के कई अन्य वार्डों में इस बार के निकाय चुनाव में लोग मतदान करने से वंचित रह गए। दरअसल मतदाता सूची में नाम न होने के कारण लोग अपना मतदान नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों में भारी आक्रोश रहा। जबकि ये सभी मतदाता पूर्व में विधानसभा 2022 और पिछले निकाय चुनाव में मतदान कर चुके हैं, लेकिन इस बार बीएलओ के घर घर नहीं पहुंचने पर लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया। अमृत विचार से बात करते हुए मतदाताओं ने बताया कि मतदाता सूची में नाम न होने के कारण वे सभी मतदान नहीं कर पाए। वहीं कुछ मतदाताओं ने बताया कि उनके परिवार में किसी भी सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं आया था, ऐसे में पूरा परिवार मतदान देने से वंचित रहा। उन्होंने बीएलओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार बीएलओ घर नहीं आया और जिसके घर आए उसे नाम देने के बावजूद सूची में नहीं आया। दूसरी ओर सवाल क्षेत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए और लुभाने के लिए सभी पार्षद प्रत्याशियों पर भी उठता है, जो चुनाव प्रचार के दौरान केवल मतदाताओं से संपर्क तो करते हैं लेकिन उस वार्ड की मतदाता सूची में वोटर्स का नाम है या नहीं ये देखने की कोशिश भी नहीं करते। मेरा नाम रशीदा बानो। क्या कारण है इस बार आप वोट नहीं दे पाए, क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम पर्ची नहीं आई थी। वहाँ पे कायदे से दिखवाया आपने? भाई गया था। जिसका मिला था वो लिया आया, मेरा नहीं मिला। पिछली बार दिया था आपने? जी हाँ। इस बार गायब हो गया? जी हाँ। मेरा नाम फरदाना बानू है। फरदाना, तुमने इस बार वोट किया? नहीं। क्यों, क्या दिक्कत रही? मेरे नाम पे किसी और का नाम चढ़ा था। तुम लोगों ने कायदे से वहाँ दिखवाया? हाँ। वहाँ सब लोगों ने देखा? देखा, सबसे देखा, सबसे दिखाया था। अंदर जाके उन लोगों को भी दिखाया था। कितने लोगों ने देखा होगा? लगभग एक तो बाहर दिखाया था, दूसरा वहाँ अंदर जाके दिखाया था, फिर तीसरा जहाँ पे पड़ रहा था वोट वहाँ पे दिखाया था, कहीं पे नहीं था। हम लोग को वोटिंग आई नहीं है। क्यों, आपने वहाँ दिखवाया नहीं कायदे से? जी दिखाया था, तो उसमें पूजा के नाम से आया था, हमारी जिठानी के नाम से आया था, तो हमने कहा नहीं हमारा। आपके बीएलओ आया था? बीएलओ नहीं, कुछ नहीं आया था, आधार लेके गए थे हम। नहीं, जो आते हैं जिन नाम अगर गड़बड़ चढ़ाओ तो सही करने के लिए आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम, हाँ मेरा नाम मोहम्मद कमर है और मैं वोट हर साल मतलब जब भी चुनाव होता है मैं वोट डालने जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव में वोट डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब मैं गया आज, मैंने 3 लिस्टों में अपना नाम ढूंढा। मेरे बड़े भाई का था, उनसे बड़े भाई का था, भाभी का था, पापा का था, सबका था, मेरा ही नहीं था। मैंने आके घर पे आके मैंने बहुत कोशिश की। अच्छा ये बताइए, आपका नाम नहीं था, आपके घर बीएलओ आता है जो ठीक करने के लिए लिस्ट में नाम? नहीं आया ही नहीं। मेरा तौसीफा नसीर। तुम आज में वोट डालने को मिला? नहीं मिला, लिस्ट में नाम ही नहीं है। दिखवाया था कायदे से? जी खुद भी देखा था और दिखवाया भी था, नहीं आया। क्या दिक्कत थी, मतलब नाम ही नहीं आया? नहीं नाम ही नहीं आया मेरा। तुम्हारे यहाँ बीएलओ आया था चेक करने के लिए जो नाम चढ़ाया? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं आया? नहीं, एक बार भी नहीं। रफीक अली निवासी टिकटगंज। क्या आपका आया? हमारा आया, हमारे परिवार में 2-3 लोगों का नहीं आया। क्या उससे पहले उन लोगों ने वोट दिए थे? हाँ दिए थे, अभी विधायकी में दिए थे। ऐसा तो नहीं कि देखने में दिक्कत आई हो आप? नहीं नहीं, ये पूरी लिस्ट हम हाथ में लिए, चेक कर ली, ला के कहीं नहीं है, वहाँ पोलिंग तक के नहीं है। मोहम्मद जाकिर खान। आप गए थे वोट डालने के लिए? जी हाँ गए थे। तो क्यों नहीं वोट डाल पाए, क्या कारण था? मेरी वहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं था। कायदे से दिखवाए थे? जी 1.5 घंटा करीब मैं वहीं पे था। आपके यहाँ बीएलओ आया था? नहीं। वो जो आते हैं पर्चियों पे नाम चढ़ाने के लिए? नहीं है, नहीं आए, कोई नहीं आया। हम लोग कांग्रेस पार्टी से थे, बस्ते पे थे, जिसमें 100 घरों में सर 70% वोट नहीं आए, 30% आए, 32% पोलिंग हुई है, जिसमें कि हम लोग ने 3 दिन पर्चियाँ निकाली, पूरे पूरे घर के वोट कट गए। 9 लोग हैं तो उसमें एक आई है, जिसके यहाँ 5 थे उनके यहाँ 1 आई है, 1-2 बस पर्चियाँ ही नहीं आई हैं। और इस पोलिंग बूथ की तो संख्या ही नहीं, 32% वोट पड़ा है जगन्नाथ में, जगन्नाथ में। मुझे अनीस अहमद कहते हैं। अनीस भाई, आपके घर में वोट आप डाल के आए पहले? नहीं। क्यों, क्या कारण रहा? पर्ची नहीं आई। लिस्ट आपने कायदे से दिखवाई? लिस्ट में मैंने 3 दिन से चेक कर रहा हूँ। और परिवार में आप लोगों की? किसी का नहीं, बस एक भाभी का आया, भाई का नहीं आया, भतीजे का नहीं आया, वाइफ का मेरे नहीं आया। अच्छा बीएलओ आया आपके यहाँ जो आता है? बीएलओ नहीं आए थे। तो आप ये गड़बड़ी किसकी मान रहे हैं, किसकी? अभी देखा जाए, क्या ये लापरवाही कही जाएगी, किसकी कही जाए? इसको पर इलेक्शन होने से पहले नगर निगम में हो चाहे विधायक हो, तो इनको पर लिस्ट को अपडेट करना चाहिए। जी मोहम्मद अमीन अंसारी। वोट डाल दिया है आप? नहीं अभी नहीं डाला। क्यों आया ही नहीं, पर्ची नहीं आई। किसकी किसकी नहीं आई साहब? पूरे घर की नहीं आई है। पूरे कायदे से ढूंढवाए थे आप? जी जी, कल भी गए थे रात में देखने भाई हमारे, कल भी गए थे और आज भी गए, दोपहर तक के वापस आए, सब जगह देख डाला, किसी भी बूथ पर पर्ची नहीं आई। इससे पहले डाले थे आप? इससे पहले डाल चुके हैं, पिछली बार भी डाला था, विधायकी में भी डाला था, अब की नहीं आई।
मेरा नाम है साक्षी गोपाल मिश्रा। साक्षी, इस बार आपने क्या वोट डाला? नहीं नहीं, मैं वोट नहीं डाल पाया हूँ। क्या कारण था? ये सरासर गलती है बीएलओ की, जो कि यहाँ पे निर्वाचन पर्ची बनाते हैं, जो भी निर्वाचन का काम करते हैं, पर्ची बनाने का, वोटर कार्ड को चेक करने का। अभी मैं जब वोट डालने गया तो वहाँ पे बीएलओ के आदमी वहाँ बैठे थे, अपना मेज कुर्सी डाले। जब मैंने उससे पूछा तो बोला उसने कोई कुशवाहा थे जो टिकैतगंज का वो देखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आया, तो कहें हम तो कई बार वहाँ गए मगर दरवाज़ा बंद मिला, कोई बाहर निकला नहीं। ये सरासर बेवकूफ़ी भरी बात उन्होंने बोली हम मुझको, और जो कि हमारा घर पूरे संयुक्त परिवार है, कई लोग घर पे 20-25 लोग रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस समय घर पे कोई ना हो, और मैं वोट नहीं डाल पाया, इसका मुझे बहुत बहुत दुख है। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा। आपने वोट डाला? हाँ, वोट डाला। क्या आपके घर में कौन ऐसा जिसको वोट नहीं पाया है? मेरे किसी बेटे का वोट नहीं आया है, भतीजों का वोट नहीं आया, करीब 7-8 है। किसी का वोट नहीं है? किसी का वोट नहीं है, खाली माँ बाप का है, वो बेटे सब बेकार हो गए। नहीं, लिस्ट में आपने कायदे से चेक करवाया था? हाँ, सब चेक कर। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है, ये किसकी वजह से हो रहा है? अब जिसकी भी गलती हो, बीएलओ हमने हमने कहा कि ये गलती किसकी है, और ये यूपी में काम ये ठीक नहीं हो पा रहा है। मुस्कान, मुस्कान तुम इस बार वोट डाली? नहीं। क्यों, क्या कारण था? पर्ची नहीं आई थी। लिस्ट में कायदे से दिखवाया कि नहीं? लिस्ट में नाम नहीं है। कितने लोगों का नहीं है? मम्मी का भी नहीं है, बहनों का भी नहीं, मेरा भी नहीं है। किरण, किरण जी, आप गई थी आज वोट डालने? हम दो बार गए हैं, सुबह भी मैं गए थे, अभी भी एक घंटा पहले आ गए थे। लिस्ट में कायदे से दिखवाया? हाँ, दिखवाया वहाँ। ऐसा तो नहीं नाम हो आप देख ना पाए? नहीं नहीं, हम नहीं है वहाँ से, हमने दिखवाया था। अरे कई जगह दिखवाया? हाँ, दो नहीं, वहीं पे गए थे। अरे वो स्कूल कौन सा है? जगन्नाथ, उसमें गए हैं दो बार, वहाँ भी गए दो बार, यहाँ सब कहीं दिखाए, उस वाले में भी गए, कहीं पर हमारा नाम नहीं था। बाकी लोगों का घर में है आपके? किसी का नहीं है। पूरे घर का नहीं है? पूरे घर का नहीं है। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में 8 लोग। चंद, आपने वोट डाला? नहीं, जब वोट ही नहीं, क्या डालने जाएंगे भाई? जब दिखवाया गया कि ना मेरे बहू का है, ना मेरे बेटे का है, ना मेरे बेटे, किसी का आया ही नहीं। और जब इसके पहले हुआ था वोट डालने का, तो आया भी था। नहीं, बीएलओ आया था आपके यहाँ? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आता, कोई नहीं आया, कोई नहीं आता, कोई नहीं। काली फर्जी का अगर पेपर में आता, हाँ ये होगा, चेकिंग होगा, कोई आते नहीं है। प्रेम कुमार जायसवाल, मेरे पिताजी का नाम शिशु प्रसाद जायसवाल। मेरे क्या 6 मेंबर हैं, जिसमें से सिर्फ 4 मेंबर का आया, 2 मेंबर के टिकट वोटर में नाम नहीं आया। कायदे से दिखवाया था ऐसा तो नहीं? बिल्कुल, मैंने कम से कम 1.5 घंटे मैंने खुद 327/299 जितना था, मेहंदीगंज यानी कि जगन्नाथ प्रसाद साहू वाले भी गया, वहाँ पे भी नहीं, और ये आपका मेरा शीतला देवी वार्ड और एक और वार्ड, ये मेरा किसमें पड़ा था? आपका तो भवानीगंज। हाँ, ये गुडलक के सामने कौन सा है, क्या नाम? चलिए खैर, आपका हाँ, लिस्ट में नाम नहीं था। लिस्ट में नाम नहीं था। आप बीएलओ आया? आया था, लेकिन नाम बिल्कुल नहीं आया। तो वो फिर क्या करके गया था आपके घर में बीएलओ अगर आया था? जो भी नाम उसने नोट करे थे, हमने सारे मेंबर के नाम नोट कराए, लेकिन किसी का भी नाम ऐसा तो नहीं कि पिछली बार आप लोगों ने चुनाव ना किया हो? नहीं, बिल्कुल दिया, सबने दिया, 6 का वोट आया था, बिल्कुल नहीं है, और मेरा नहीं। वहाँ ऐसे थे कम से कम 50% आदमी को नहीं होगा। अपना नाम बताओ। अबू जैफ सिद्दीकी, नाम उसनी। तुमने इस बार वोट डाला? नहीं सर, मेरा वोट में नाम ही नहीं आया है। क्यों पता नहीं, लिस्ट में पूरी लिस्ट चेक कर लिया, जगन्नाथ में भी गए, महल्ले की भी लिस्ट में चेक किया, और जहाँ जहाँ मतलब पता कर सकते थे पता किया, नाम कहीं नहीं मेरा। याकूब अली। याकूब, इस बार वोट दिए तुम? नहीं, इस बार नहीं दिए। क्यों, क्या कारण रहा? लिस्ट में नाम ही नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा है कायदे से? बिल्कुल भाई, एक एक चीज़ देखी है, हम लोग जाहिल थोड़ी ना, देखे ना, सब कुछ देखा। नहीं तो आपने अन्य लोगों को दिखाया, वहाँ पे बीएलओ बैठे रहते? सबको दिखाया, कोई नाम ही नहीं था मेरा। नसीमा बानो। आप वोट डाल के आई? नहीं। क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत रही? वही पर्ची नहीं मिली, वही नहीं डाला। आपने देखा था कायदे से? हाँ, देख लिया था। वहाँ दिखवाए कायदे से? नहीं, वहाँ नहीं गए।